फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको लेकर आ गए हैं जो कि राजा तालाब। लेकर जाएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, आपको दिखाने वाला हूँ। देखो वहीं मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप लेफ्ट चले जाते हैं तो आप चले जाते हैं शिवपुर की साइड, और वहीं मैं आपको बता दूँ जैसा कि भोजपुर की तरफ आप चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा नज़ारा, ये हरहुआ चौराहा है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हरहुआ चौराहा है और यह बुद्ध भगवान जो है पाँच पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का जो है लुक लगाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए जो कि गोला फेंक है और क्रिकेट बल्लेबाज, जो कि यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा से लुक लगाए गए हैं। और यह चौराहा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, और इसी साइड से हम सीधे चलते हैं आपको लेकर, ठीक है। और आप आगे की तरफ जा सकते हैं राजा तालाब की तरफ, और आप इस साइड चले जाते हैं जैसा कि हरहुआ की तरफ, और शिवपुर होते हुए चले जाएंगे वाराणसी रिंग रोड फेज 3 पे, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे जो कि गंजारी स्टेडियम, जो कि गंजारी स्टेडियम के नाम से भी प्रसिद्ध है और वाराणसी स्टेडियम भी नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और सामने आप सामने देख पा रहे होंगे जो कि काम बहुत ही जोरों से चल रहा है, और साइड साइड में आप देख पा रहे हैं पूरे पहले जो कि बाउंड्री कर दिया गया है, उसके बाद जो कि काम आधा ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने साइड हमारे, ये देखिएगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, जो कि यहाँ पे गिट्टी बनता है और उसी के माध्यम से यहाँ पे गिट्टी का काम होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये जो ग्राइंडर लगी हुई है ना, इसी के मदद से सारा काम होता रहता है। एक यहाँ पे लगी है तो एक यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने साइड, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अंदर जाने के लिए अलाउ मिलता है कि नहीं, अभी तो नहीं पता हमें। अब देखते हैं, इसी से चलते हैं अंदर की तरफ, और हम यहाँ से आपको अंदर के दिखा रहे हैं जो कि नज़ारा अंदर से दिखा रहा हूँ। देखिए एक तरह से यहाँ पे पूरा ढांचा रेडी किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राइंडर की मदद से, ग्राइंडर से मदद से यहाँ पे देखिए ढांचा रेडी किया गया है। और इस साइड में आप देख सकते हैं, और हमारे आगे साइड देखिए यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इधर देखिएगा आप, देख रहे हैं ना, पूरा बरसात के मौसम में यहाँ पर पूरा पानी डूब चुका है। आइए चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं, जो कि देखिए चारों बगल काम चल रहा है। ये देख रहे हैं सामने जो कि पिलर ढालने का काम शुरू है, काफ़ी मोटे मोटे पिलर दिए जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो कि लोहे के मदद से काम हो रहा है यहाँ पे, देखिए इधर साइड जो कि इधर इतना कंप्लीट हुआ है तो आगे की तरफ अभी बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ये देखिए ये आगे साइड जो कि बनाया जा रहा है अभी, और देख रहे हैं जो कि नीले पर्दे से घिरे गए हैं। और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ना नीले पर्दे के साइड में, ये दोस्तों रोड बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए, ये देख सकते हैं आप पूरे साइड साइड से दोस्तों जो कि काम हो रहा है, साइड साइड से पूरा आधा ज़्यादा रेडी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जो सामने में आपको ये दिखा रहा था, ठीक है, साइड साइड से पूरी कंप्लीट हो रही है। ये अंदर का ग्राउंड है जो कि आप, ये अंदर का ग्राउंड है दोस्तों, जो मिट्टी गिरा हुआ है पूरा सारा, ये अंदर का ग्राउंड है, ठीक है। अब देख सकते हैं सामने जो कि पूरी तरह से साइड साइड में आधा देखिए इधर रेडी कर दिया गया है, अभी बीच में यहाँ पर काम नहीं हुआ है तो अभी यहाँ पे चल रहा है, तो कहीं आगे आगे की तरफ रेडी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे मजदूर लोग जो कि छड़ काट रहे हैं, और उसी के सामने आप देख पा रहे होंगे जो कि उनके रहने का व्यवस्था किया गया है, और सामने हमारे छड़ भी उतर रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरों से भी काम चल रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो ग्राउंड पूरा बन रहा है दोस्तों ना, ये 30 एकड़ ज़मीन में बन रहा है। और देखिए मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, इस प्रकार से बनाया जा रहे हैं स्टेडियम, और दोस्तों ये रोड के ही किनारे बना हुआ है, जो कि ये वाराणसी 4 लेंथ है, ठीक है, ये रोड के ही किनारे पूरा बना हुआ है स्टेडियम। प्लम्बर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह से,